चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए, मैं आज बिल्कुल रंग बिरंगा सा पैटर्न लेकर आई हूँ। आप अपनी टीनेज बेटी के लिए बना सकती हैं या फिर छोटे बच्चों के लिए, ये बहुत प्यारा लगता है। और अगर लेडीज़ खुद के लिए बनाना चाहती हैं तो उसमें सिर्फ एक या दो या तीन रंग डालें, इतने ढेर सारे रंग ना डालें। लेकिन बच्चों में मल्टी कलर स्वेटर बहुत सुंदर और प्यारा लगता है। और ये सिर्फ दो लाइन का पैटर्न है, यानी हर दो लाइन पे मैंने देखिए उनका रंग चेंज किया है। पहले दो लाइन मैंने पिंक से बुना, फिर येलो से, फिर ग्रे से, फिर मरून से, फिर वाइट से। तो दो दो लाइन पे हमें उनका रंग चेंज करना होता है। बहुत प्यारा सा पैटर्न है। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 12 के मल्टीपल में फंदे डालने होते हैं, 12 प्लस 12 प्लस 12 करके, और दो फंदे हमें एक्स्ट्रा डालने होते हैं एज ए एज स्टिच सेट करने के लिए, एक इधर और एक इधर। तो चलिए आज हम इस पैटर्न को बनाना सीखते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नए नए डिज़ाइन के नोटिफिकेशन आप तक बिना रुकावट के पहुंचते रहें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा, मेरा बताने का तरीका कैसा लगा। तो चलिए आज हम इस पैटर्न को बनाना सीखते हैं। तो बनाने के लिए हमें 12 के मल्टीपल में फंदे चाहिए होते हैं, तो मैंने यहाँ पर 12 के मल्टीपल में 24 फंदे डाले हैं प्लस दो फंदा एक्स्ट्रा। तो टोटल हो गए मेरे पास 26 फंदे जिनमें हम पैटर्न बनाएंगे। और पैटर्न बनाने से पहले मैंने चार सिलाइयाँ बॉर्डर की बुन ली हैं। आप अपने पसंद का कोई भी बॉर्डर सेट करें, ये आपके पसंद पे डिपेंड करता है। और यहाँ पर मैंने देखिए ये क्रीम कलर से बॉर्डर बुनने के बाद बिल्कुल डार्क पिंक मैंने जोड़ा है, एक लाइट और उसके बाद फिर एक डार्क, ताकि पैटर्न बिल्कुल उभर कर आए। पहला फंदा हमें सीधा बुन लेना है, आगे और एक सीधा, यानी जब हम इस फंदे को सीधा बुनेंगे तो यहाँ पर एक फंदा बढ़ जाएगा और जाली बन जाएगी। एक बार फिर उन आगे एक सीधा, पहला फंदा हमने सीधा बुना और उसके बाद दो लगातार फंदों में एक एक फंदा हमने बढ़ा लिया, तो दो फंदे से चार फंदे हो गए। अब हम दो फंदों को एक साथ बुनेंगे। ये देखिए पीछे की तरफ से हमें बुनना है, ये हमने एक बार बुना दो फंदे एक साथ, एक बार फिर बुनेंगे पीछे की तरफ से। दो बार हमने बुना दो दो फंदे एक साथ और दोनों बार हमने पीछे की तरफ से। अब हम एक बार फिर बुनेंगे दो फंदे एक साथ, लेकिन इस बार आगे की तरफ से। एक बार फिर दो फंदे एक साथ आगे की तरफ से, यानी दो बार हमने पीछे की तरफ से जोड़े में बुना और दो बार आगे की तरफ से। चार लगातार फंदों में चार फंदा बढ़ाएंगे। देखिए ऊन आगे एक सीधा, ऊन आगे दूसरा सीधा, ऊन आगे तीसरा सीधा, ऊन आगे चौथा सीधा। एक बार फिर दो फंदे एक साथ बुनेंगे, पहले हम पीछे की तरफ से बुनेंगे और इस बार भी हम पीछे की तरफ से बुनेंगे। और उसके बाद हम दो फंदे फिर से बुनेंगे लेकिन आगे की तरफ से। ये दो बार हमने दो दो फंदे करके बुने पीछे की तरफ से, अब हम दो बार फिर से बुनेंगे आगे की तरफ से। बस इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ये देखिए आगे की तरफ से दो फंदे एक साथ, एक बार फिर आगे की तरफ से दो फंदे एक साथ, दो लगातार फंदों में एक एक फंदा बढ़ाते हुए बुनेंगे। देखिए ऊन आगे करके बुनेंगे तो अपने आप फंदा यहाँ पर एक बन जाएगा और जाली भी बन जाएगी। एक फंदा हमने बढ़ाया और एक फंदा फिर से हमने बढ़ा लिया, तो जितने फंदे हमने घटाए थे उतने फंदे वापस आ गए। ये किनारे का फंदा। ये हमारी पैटर्न की फर्स्ट रो कम्प्लीट हो गई। सेकेंड रो हमें रॉन्ग साइड की बुननी है, जो कि सारी उल्टी उल्टी सिंपल तरीके से बुनी जाएगी। देखिए सारे फंदे हम उल्टा उल्टा बुनकर पूरा कर लेते हैं। ये देखिए ये हमने दो लाइन पूरी कर ली। अभी हमें पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये हमने पैटर्न कंप्लीट कर लिया। अब हमने पैटर्न फिर से रिपीट करना है ऊन का रंग चेंज करके, यानी हर दो लाइन पर हमें ऊन का रंग चेंज करना है। तो यहाँ पर अब मैं येलो कलर का ऊन जोड़ रही हूँ। आप अपने पसंद का कोई भी कलर ले सकती हैं।
से मैं जोड़ लेती हूँ और हम पैटर्न को रिपीट करेंगे। पहला फंदा हम सिंपल तरीके से सीधा बुन लेंगे, ऊन आगे रखते हुए एक सीधा, एक बार फिर ऊन आगे, एक सीधा। ये हमारे पैटर्न की फर्स्ट लाइन हम रिपीट कर रहे हैं, दो फंदे एक साथ पीछे की तरफ से, एक बार फिर दो फंदे एक साथ पीछे की तरफ से, अब फिर से दो फंदे एक साथ लेकिन आगे की तरफ से, दो फंदे एक साथ आगे की तरफ से। यानी देखिए हम चार बार जोड़े में फंदे को बुन रहे हैं, दो बार आगे की तरफ से, सॉरी दो बार पहले पीछे की तरफ से और उसके बाद दो फंदे दो बार आगे की तरफ से, चार चार लगातार फंदों में एक एक फंदा बढ़ाएंगे। पहला फंदा हमने बुन लिया, दूसरा फंदा, तीसरा फंदा और ये चौथा फंदा। चार लगातार फंदों में हमने एक एक करके चार फंदे बढ़ा लिए। अब हमने फिर से जोड़े में बुनना है, पहले हम पीछे की तरफ से बुनेंगे दो बार, पहला हमने बुन लिया और ये दूसरा वाला पीछे की तरफ से, दो फंदे फिर से आगे की तरफ से, दो फंदे फिर से आगे की तरफ से, दो लगातार फंदों में एक एक फंदा बढ़ाएंगे, ऊन आगे, पहला फंदा हमने बढ़ा लिया और ये दूसरा फंदा और ये किनारे का फंदा। ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। फोर्थ रो सारे फंदे उल्टे उल्टे बुने जाएंगे, हर बार रॉन्ग साइड में हमें सारे फंदे उल्टा उल्टा बुनकर पूरा करना है। ये देखिए हमने चार लाइन पूरी कर ली, दो लाइन हमने पिंक कलर से बुना और दो लाइन येलो कलर से। अब हमने और आगे बुनाई करनी है तो हम एक बार फिर से ऊन का रंग चेंज कर सकते हैं या फिर हम चाहें तो सिर्फ दो रंग से भी बुन सकते हैं, ये मेरे पसंद पर और आपके पसंद पर डिपेंड करता है। यहाँ पर चूँकि मैंने ढेर सारे कलर लिए थे, आप चाहें तो दो कलर से बुनें या तीन कलर से, यहाँ पर मैंने ढेर सारे कलर डाल रखे हैं। तो आप भी इस पैटर्न को ज़रूर बनाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं एक बार फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।